धनुष चलाए करते और देश जो है वो जश्न भारत माता की जय आपको कामनेस चाहिए आपका जो माइंड पे कंट्रोल है बेसिकली ये फिजिकल गेम नहीं है सर ये एक माइंड गेम है जितना भी आपको अपनी नर्व्स पे कंट्रोल है तो वही बच्चा या वही शूटर जो है आगे नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर पाता है इसीलिए जिसको अपने आप पे कंट्रोल है अपने माइंड पे कंट्रोल है तो शूटिंग उसी शूटर्स के लिए अच्छी है इन फ्यूचर्स के लिए ऑब्वियसली बात है सर कि जितना भी जब आपका जो ओलंपिक से बड़ा कोई स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म नहीं है जब कोई आपकी कंट्री के प्लेयर्स उस लेवल पे प्लेटफॉर्म पे अगर परफॉर्म अच्छा करते हैं तो इंस्पिरेशन पूरी कंट्री में तो एक फ़ायदा रहता है कि जितनी ज़्यादा इस लेवल पे परफॉर्मेंस इंडिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में या जितने एशियन गेम्स हैं वर्ल्ड कप्स होते हैं अक्रॉस 4 ईयर्स वाले 2 ईयर्स वाले तो जितना एक कंट्री हम उभर रहे हैं बट आने वाले टाइम में गोल्डन टाइम होगा शूटिंग के लिए इंडिया के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि हमारा जो इंडिया का इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ है पिस्टल शूटिंग में तो हिस्ट्री भी बनी है फर्स्ट वुमन है जिन्होंने पिस्टल शूटिंग में मेडल लाया हुआ है और साथ ही साथ जो टीम मेडल आया हुआ है इनका ब्रॉन्ज का साथ में जो सरबजोत सिंह हैं उनके साथ तो ये बहुत खुशी की बात है उसके साथ साथ जितने भी नीचे शूटर्स हैं हम इस वक्त हम बेसिक लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो हमें इससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इस शूटिंग में कहीं ना कोई पहुंच रहा है और देश का नाम रोशन कर रहा है इसी तरह हमें भी उम्मीद है कि हम भी आगे जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे और बहुत मेहनत करके मेडल्स इंडिया के लिए लाएंगे।